तो देखो अब रेसलमेनिया 40 के अंदर ये बात भी कंफर्म है कि भाई कोडी रोड्स, रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस डबल ड्यूटी पुल ऑफ करेंगे बिकॉज उनका टैग टीम एक्शन होगा। बाय द वे क्या ऑफ ईयर के अंदर हुआ जब कोडी रोड्स ने एक झापड़ मारा हमारे द रॉक, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ब्लड लाइन का न्यू मेंबर। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं स्मैकडाउन के ऑफ ईयर के साथ में, बिकॉज जैसे ही स्मैकडाउन का ऑफ ईयर हुआ था उसके बाद क्या हुआ ये जानने की इच्छा सब में थी। जिन लोगों ने नहीं पता, स्मैकडाउन इस तरीके से एंड हुआ था कि कोडी रोड्स ने एक झापड़ लगाया द रॉक के और WWE ने शो ऑफ एयर कर दिया। हमें लगा भाई कुछ बवाल हुआ होगा ऑफ एयर में, लेकिन ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ। द रॉक और जो हमारे रोमन रेंज है वो स्टे डाउन करते हैं झापड़ खाने के बाद और आराम से दोनों रिंग को लीव करते हुए नजर आए। ऐसा यहाँ पे कोई घमासान या युद्ध चालू नहीं हो गया था कि दोनों आपस में एक दूसरे को मारे जा रहे हैं या फिर सिक्योरिटी आ गई, मुझे लगा शायद एटलीस्ट ऐसा कुछ होगा, लेकिन वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और कुछ इस तरीके से चीजें एंड होती हुई नजर आई। बाकी देखो क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। फिलहाल यही वो कुछ बात है जो कि मुझे लगा था हम लोग को बतानी चाहिए कि स्मैकडाउन के ऑफ ईयर के अंदर ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं हुई है। लेकिन इसके अलावा एक और वीडियो क्लिप आई है सामने जो कि बेकी लिंच को लेकर आई है। बताया जा रहा है बेकी लिंच ने सामना किया था नाया जैक्स एक सिंगल्स मैच के अंदर और इस मैच में जो नाया जैक्स है उन्हें भाई एक अच्छा खासा टेबल के ऊपर क्लैश होती हुई नजर आई, ऊपर से बेकी लिंच उन्हें फेंकती है। तो ये थोड़ा अच्छा खासा आइकॉनिक सीन फैंस ने देखा बेकी लिंच की तरफ से, बेकी लिंच की स्ट्रेंथ देखी जब उन्होंने नाया जैक्स को उठा के टेबल के ऊपर पटक डाला, वो भी टॉप रोप से। ये कुछ अभी फिलहाल ऑफ ईयर के अंदर हुई है। बाकी अगर कोई और वीडियो क्लिप आएगी उसकी अपडेट भी तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बाय द वे ट्रिपल एच ने भी रिसेंटली बात कंफर्म कर डाली है कि नाइट वन के ऊपर मैच होगा कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज एंड द रॉक के बीच में। कोडी ने के जो चैलेंज था ये एक्सेप्ट किया, सेथ ने एक्चुअल में ऑन द बिहाफ ऑफ कोडी रोड्स, उसके बाद जाके जब चैलेंज एक्सेप्ट हुआ तो WWE से बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ द ईयर के प्रमोट करी। ट्रिपल एच का ट्वीट भी तुम लोग देख पा रहे हो, द बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ द ईयर एट बिगेस्ट रेसलमेनिया एवर। यानी कि कहीं ना कहीं WWE के पास में इस मैच को लेके कुछ ज्यादा बड़े प्लान्स हैं। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं लास्ट ईयर कहता ना ऐसा कुछ कि भाई ऐसा मैच हो सकता है WWE में, सपोज करो कोई रिपोर्ट आती हम लोग विश्वास ही नहीं करते, लेकिन अब रेसलमेनिया के अंदर जेन्युइनली ये मैच होने जा रहा है, एक ऐसा मैच जो कि किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। रोमन द रॉक मेरे हिसाब से इन फ्यूचर जरूर होने वाला है, लेकिन क्या होगा रेसलमेनिया नाइट वन में ये तो हमें नाइट वन के अंदर ही पता लगने वाला है। बाय द वे मैं ब्लड लाइन के एक न्यू मेंबर के बारे में बात करूंगा और ये जो न्यू मेंबर है ना ये ऑफ कोर्स टेंपरेरी ही होने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई ये जो बंदा है ना वो हो जाएगा हमेशा WWE में आके ब्लड लाइन के साथ जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं टेम्परेरी जो मेंबर बात कर रहा हूँ वो हमारे ड्रू मैकइंटायर है, फॉर्मर WWE चैंपियन। इस साल रेसलमेनिया के अंदर जाके वो कम्पीट करेंगे सेथ रॉलिंस का एक वर्ल्ड टाइटल मैच में। अगर तुमने द रॉक का प्रोमो ध्यान से सुना होगा रिसेंटली ये जो हुआ था, तो यहाँ पे एक बात कही गई थी वो ये कि भाई मैं मेक श्योर करूंगा कि कोडी रोड्स रोमन रेंस ना जीते और सेथ तू उस चैंपियनशिप के साथ वॉकआउट ना करे रेसलमेनिया के अंदर। कुल मिला के यहाँ पर ये बात ईज हुई है कि द रॉक सपोर्ट करने वाले हैं, द रॉक किसी तरीके से हेल्प करने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर की, ताकि किसी भी हालत में सेथ रॉलिंस एज वर्ल्ड चैंपियन वॉकआउट ना कर पाए रेसलमेनिया 40 से। तो बताया जा रहा है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर तुम्हें WWE ये चीजें करती हुई नजर आए कि भाई जो ड्रू मैकइंटायर है ब्लड लाइन के साथ में या फिर कहीं ना कहीं ब्लड लाइन को एड कर रहे हैं इस पूरी चीज के अंदर, और वाइस वर्सा भी होगा। द रॉक एंड रोमन रेंज जो ब्लड लाइन के दूसरे मेंबर हैं वो सेथ के खिलाफ इस चीज को एड करेंगे कि भाई ड्रू मैकइंटायर की हेल्प करते हैं बिकॉज सेथ के खिलाफ कंपीट कर रहा है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा। ये वाली चीज अभी फिलहाल बात अभी आ रही है सामने, बाकी देखो क्या होता है। अभी फिलहाल ये कुछ बात है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। तुम्हारे हिसाब से क्या ड्रू मैकइंटायर को हेल्प की जरूरत है न्यू चैंपियन बनने के लिए या फिर WWE करनी चाहिए क्लीन एंडिंग? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।